माय नेम इज प्रियांशु गुप्ता एंड आई विल बी टर्निंग 22 इयर्स इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ जुलाई एंड आई एम अ ग्रेजुएट इन फाइनेंस. लेट्स जंप डायरेक्टली टू द टुडेज टॉपिक. टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ स्टैमरिंग ऑन आवर लाइफ. सो टू बी ऑनेस्ट, मैं हर बार आता हूँ तो मैं टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ लिख के आता हूँ या कुछ सोच के आता हूँ. आज मैं ये बोलूँगा या इसके बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं आज कुछ पढ़ के नहीं आया क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं एक दिल खोल के बोलूँ जो मेरे दिल में है, जो हम लोगों ने फेस किया है. ओवरऑल 22 साल का मैं हो गया हूँ एंड कॉलेज में जब मैं आया तो स्टैमरिंग से मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोज हुआ. बिकॉज स्कूल में आप बोलो या ना बोलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपसे ये नहीं पूछता है, लाइक आपके इंटरव्यूज नहीं होते हैं, आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती है कॉलेज. बट कॉलेज में लाइफ पूरी टोटली डिफरेंट हो रही है. आपको यहाँ तरह तरह के लोगों से मिलते हो, कुछ लोग आपसे बहुत आगे होते हैं अपनी लाइफ में, कुछ लोगों का लाइफ स्टाइल अलग होता है एंड उनका जो एक वो जिस जो वो आपके सामने आते हैं तो उनका ना एक प्रेशर आपके अंदर फील हो जाता है एंड इसके कारण आपकी स्टैमरिंग और बढ़ जाती है. तो स्टैमरिंग का मेरी लाइफ में ये इम्पैक्ट रहा है कि इसने मेरी लाइफ को डायरेक्ट किया. मैंने अपनी लाइफ को डायरेक्ट नहीं किया कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा. जो चीज़ मेरे को स्टैमरिंग कहती थी कि यार तेरे लिए ये आसान है करना, मैं वो करता था. अगर मम्मी ने कुछ मंगवाया यार ये सामान ले जा, अगर मैं वो सामान के आइटम का नाम बोल पा रहा हूँ तो मैं जाता था सामान लेने के लिए, नहीं तो मैं नहीं जाता था. एंड ये हल्का बहुत आज भी बहुत सोचता हूँ. लाइक कल पापा ने कचौड़ी मंगवाई कि कचौड़ी ले गया, तो मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार में लग गया, कचौड़ी कचौड़ी बोलने की प्रैक्टिस करने लगा अपने माइंड में. एक तो थोड़ा बहुत मेरा डाउन चल रहा वैसे भी हल्का बहुत, उसका भी कुछ इम्पैक्ट था. तो ये सब चीज़ें होती हैं. लेकिन एक चीज़ चलो ये तो हमारा हो गया कि स्टैमरिंग का लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, लेकिन मेरे को ऐसा अभी बहुत टाइम से लग रहा है कि हमारी लाइफ में जो चल रहा है उसका स्टैमरिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है. अगर आपकी लाइफ एक स्मूथ चल रही है, कुछ टेंशन नहीं है घर में या कुछ कोई इशू लाइफ में क्रिएट नहीं है अभी, तो उसका आपकी स्टैमरिंग पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. कि चलो आपको सिर्फ अपनी स्टैमरिंग पे ध्यान देना, आपको कुछ और चीज़ पे ध्यान नहीं देना. तो अभी मेरे केस में क्या हो रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर मैंने क्रिएट शायद से कर दिया जा